देश के लिए जान देने वाले शहीद आजम भगत सिंह आतंकवादी कैसे बन गए? ये बात हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास की एक किताब में भगत सिंह और उनके साथियों को क्रांतिकारी आतंकवादी बताया गया है। भगत सिंह के परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई है, वह ये मुद्दा संसद तक पहुंच गया है। देखिए एक रिपोर्ट। देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के बारे में छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है, जरा इस किताब पर गौर कीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की एक किताब में शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में जो कुछ लिखा है, आप भी उसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नाम की इस किताब में भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी बताया गया है। पेज नंबर 228 पर भगत सिंह, सूर्यसेन और क्रांतिकारी आतंकवादी शीर्षक से 20वां अध्याय छपा है। इस अध्याय में 25 से 26 बार भगत सिंह और उनके साथियों को आतंकवादी लिखा गया है। ये किताब पिछले दो दशकों से यानी करीब 26 सालों से डीयू में पढ़ाई जा रही है। 1990 में इस किताब का पहला संस्करण छपा था और तभी से इस किताब में भगत सिंह को आतंकवादी क्रांतिकारी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिपिन चंद्रा और मृदुला मुखर्जी की इस किताब के एक संस्करण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को करिश्माई नेता बताया गया है। कुछ वक्त पहले भगत सिंह के परिजनों ने इस पर आपत्ति जताते हुए HRD मिनिस्ट्री को पत्र लिखा था, जिसके बाद अब मानव संसाधन मंत्रालय ने DU से इस पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं ये मुद्दा संसद में भी उछला। BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। वहीं गुरुवार को उच्च सदन में JDU सांसद KC त्यागी ने भी इस मुद्दे को उठाया और क्रांतिकारी आतंकवादी जैसे आपत्तिजनक शब्दों को हटाने की मांग की है। वहीं BJP सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि 20 सालों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये किताब अभी भी DU में पढ़ाई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभी तक इस मामले को क्यों नहीं उठाया गया। देखते रहिए TP Live।